ट्रांस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ज्ञान में आपका स्वागत है। हम उमापति सर आज आपको कुछ फोटोशॉप की जानकारी बताएंगे। फोटोशॉप में पीएनजी इमेज कैसे बनता है वो आज आपको बताएंगे। उसके लिए हम जो है फोटोशॉप स्टार्ट कर रहे हैं। जब तक हम फोटोशॉप स्टार्ट कर रहे हैं आपको बता दें कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नई नई जानकारी मिलते रहे। तो हम यहाँ पर फोटोशॉप स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा फोटोशॉप स्टार्ट हो रहा है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करिए और कमेंट में लिख के बताइए कैसा लग रहा है। तो हमारा ये फोटोशॉप स्टार्ट हो गया है, ये हमारा टूल बॉक्स है, इसी टूल से हमको काम करना होता है। हम यहाँ पे कुछ फोटो ले लेंगे, फाइल पे क्लिक करके ओपन से, और हम यहाँ पे कुछ फोटो ले लेंगे। जिससे हमारा फोटो जो है डेस्कटॉप पे है या जहाँ भी है वहाँ से फोटो ले लेंगे। हमारे डेस्कटॉप डेस्कटॉप से हम फोटो ले लेते हैं। जैसे हमारा एक फोटो है फुटबॉल, तो हमारा जो फोटो है इसमें देख रहे हैं यहाँ पे किनारे किनारे ब्लॉक दिया गया है, अर्थात इसमें बैकग्राउंड नहीं है। अगर हम इसको किसी फोटो में प्रयोग करते हैं, जैसे हमारा एक फोटो है, अगर हम इसको जो है इस फोटो में प्रयोग करते हैं, यहाँ से पकड़ के इसको हम ले जाएंगे और यहाँ हम प्रयोग करते हैं, देख रहे हैं इसका साइज बहुत बड़ा हो गया है। ये बहुत बड़े साइज में फोटो है हमारा है, इसको हम यहाँ से छोटा कर लेंगे। तो देख रहे हैं इस फोटो को प्रयोग करने पे, जब इस फोटो को हम यहाँ पे लेके आए हैं तो इस फोटो का जो बैकग्राउंड है पीछे वाला जो भाग है वो यहाँ पे नहीं आया गया है, अर्थात ये हमारा है पीएनजी इमेज, इसे बैकग्राउंड नहीं आता है। अब अगर इसी कंडीशन में हम दूसरे फोटो को लेके आते हैं, फाइल पे क्लिक करके ओपन से, हमारे पास ये डाउनलोड वाला एक और फुटबॉल है। अगर हम इस फोटो को जो है यहाँ पे मूव करके लेके आते हैं तो देख रहे हैं इसके पीछे वाला भाग आ जा रहा है, ये पीछे वाला सफ़ेद भाग आ जा रहा है, ये भाग जो है बैकग्राउंड होता है। तो ये पीएनजी नहीं, ये जीपीजी इमेज है। यहाँ पे लिखा डाउनलोड डॉट जीपीजी, जीपीजी इमेज है। तो इस जीपीजी इमेज है इसको जो है हम यहाँ से लेयर से डिलीट से लेयर से डिलीट कर देंगे, यस। अब हम इसी इमेज को जो है पीएनजी बनाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा जो है मैजिक इरेजर टूल है, इसी में तीसरा नंबर मैजिक इरेजर टूल है, इसे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो इसका जो पीछे वाला भाग है वो मिट गया। अब इसको पीएनजी बनाने के लिए हम सेव पे आ करके सेव एज करेंगे, और सेव एज पे आने के बाद यहाँ पे फोटोशॉप जहाँ लिखा है फॉर्मेट में, यहाँ पर हम ले लेंगे पीएनजी और यहाँ पे इसका नाम दे देंगे, जो नाम देना है यहाँ पे इसका नाम दे देंगे डाउनलोड पीएनजी, और उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। और यहाँ पीएनजी जब ऑप्शन आएगा तो इसमें हम इंटरप्रेस में ले लेंगे नन और ओके कर देंगे। अभी हमारा जो है पीएनजी इमेज बनेगा, इसको हम क्लोज कर देंगे। अब इसी इमेज को हम दोबारा ओपन करते हैं ओपन से, जो हमने सेव किया है यही वाला है डाउनलोड पीएनजी। तो देख रहे हैं कि ये पीएनजी बन चुका है। अब अगर इसको हम यहाँ मूव टूल पे क्लिक करके इसको मूव करके लेके आते हैं तो देख रहे हैं पीछे का भाग नहीं आ रहा है, ये पीएनजी इमेज है। इसी प्रकार से हम कोई भी फोटो हमारा हो ओपन से हम कोई दूसरा फोटो ले लेते हैं, जैसे हमारा एक फोटो है, इस फोटो को जो है हम यहाँ से मूव करके इस फोटो में लेके आ रहे हैं तो देख रहे हैं इसका जो है पूरा पीछे का जो भाग है बैकग्राउंड वाला भाग है इसको छोटा कर दे रहे हैं फोटो को। तो ये जो फोटो को हम यहाँ मूव करके लेके आ रहे हैं तो पीछे का भाग जो है इसमें आ जा रहा है, ये पीछे का भाग आ जा रहा है, बैकग्राउंड इसका आ जा रहा है। हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड ना आए तो हम इसको पीएनजी बना लेंगे। तो पीएनजी बनाने के लिए इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, पहले यहाँ डिलीट से लेयर से डिलीट कर दे रहे हैं।
अब इस फोटो को पीएनजी बनाने के लिए हम यहाँ से मैजिक इरेजर से इसके बैकग्राउंड को इरेज कर दे रहे हैं, ऐसे इरेज कर देंगे। उसके बाद फाइल पे क्लिक करके सेव एज से जहाँ सेव करना लोकेशन लेकर के, और यहाँ फोटोशॉप जहाँ है यहाँ पीएनजी लेकर के, और यहाँ नाम लिख करके जिस नाम से सेव करना है वो नाम यहाँ लिख करके, और हम यहाँ से सेव कर देते हैं। और यहाँ आप ले लेंगे पीएनजी ऑप्शन में, हम ले लेंगे इंटर प्लेस में डाल लेंगे, ओके कर देंगे। अब इस फोटो को जो है हम क्लोज कर देंगे। अब इसी फोटो को जो हम सेव किए हैं फाइल से उसको ओपन कर लेंगे डेस्कटॉप से, जो हम सेव किए हैं पीएनजी बन चुका है उसको ओपन कर लेंगे। तुम्हारा ये फोटो है पीएनजी बन चुका है, और जेपीजी इमेज था जिसे बैकग्राउंड आ रहा था ये पीएनजी इमेज ओपन कर लेंगे। तो देख रहे हैं कि अब इसको हम यहाँ से मूव करके यहाँ लेके आ रहे हैं, तो देख रहे हैं इसका बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, ये पूरा जो है फोटो आ रहा है लेकिन इसका बैकग्राउंड नहीं आ रहा है। तो ये जो है हमारा फोटो जो है ये बन चुका है पीएनजी इमेज, इसको जो है हम छोटा कर दे रहे हैं। ये जो है फोटो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये बन चुका है पीएनजी इमेज, ऐसे कहीं भी लगा सकते हैं। तो पीएनजी इमेज जो होते हैं उससे बैकग्राउंड नहीं होते हैं, ये हमारा पीएनजी इमेज है उससे बैकग्राउंड नहीं है। ये हमारा है पीएनजी इमेज। पीएनजी इमेज बनाने का आसान तरीका है जो आपको बता दिए हैं, आप लोग पीएनजी इमेज बना लेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर लिख दीजिए, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई वीडियो जानकारी के लिए हमारे चैनल जुड़े रहिए और बेल आइकन जब प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय जय भारत।